मेरी भांजी, हम 12 साल के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं दोस्तों मिठाई, अगर ऊपर बांटने तो ऊपर बांटेंगे, तो जो गांव में जाएंगे उधर ही बांटेंगे। और अब पहुंच गए हैं बीबी जवंदी के रोजे पर। ये देखिए मकबरा बीबी जवंदी का, और ये बीबी हलीमा का है। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुशखुरूम होंगे अपनी ज़िंदगी में, और मैं भी ठीक हूं अल्लाह के फजल से। आज की प्यारी अच्छी और बेहतरीन सुबह का आगाज़ हो गया है। अल्लाह करे आज का दिन आपका अच्छा सही सलामत और ज़बरदस्त गुजरे, और जो भी डेली की रूटीन है और डेली के काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। YouTube फैमिली, आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें, फुल देखें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका अपनी हिफ्ज़ में रखे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अजर करे, और जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को भी दूर करे, और जिनके औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक असल अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सुबह का नज़ारा और व्यू बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त है। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दूसरा दिन है, धुंध शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, धुंधी धुंध है। साथ वाली बस्ती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, जो सामने होती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और ना ही दरख्त, थोड़े थोड़े दरख्त मध्यम मध्यम नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हम करते हैं, देखें धुंधी धुंध है, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, वरना गर्मी आ गई थी, दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया है। देखिए ग्रीनरी सदा चेक करें, हरियाली, और साथ में सरसों के फूल, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें इतनी सर्दी में और इतनी धुंध में सखी नीला जो है दूध लेके आ गया है। बहुत ज़्यादा धुंध थी, और देखें धुंध भी बहुत ज़्यादा है, और सखी नीला दूध लेके भी आ गया अभी चाय बनाने के लिए। अभी मैं सुहेल और मेरी सेकेंड मम्मी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए फंक्शन अटेंड करते हुए। अभी अम्मी ने कहा थोड़ा सा मुझे घुमा फिरा, और मुझे मेरे मैके लेके चले हैं, क्योंकि मुझे मैके की बहुत याद आ रही है। काफ़ी अरसा हो गया मैं मैके नहीं गई, तो मैं उसको उसका मैका भी दिखाऊंगा, वहाँ भी घुमा फिरूँगा, और थोड़ा सा शेयर वगैरह उस शरीफ में जाएंगे, वहाँ भी उनके अबाजाद की कब्रें हैं, वहाँ भी जाएंगे। जाए ऊँच का वहाँ सफर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी अब जा रहे हैं ऊँच, और अम्मी दादी अम्मी के जो मायके भी जाएंगे, और जो कुछ तैयार थे करने की वो भी करेंगे, और जो कुछ कब्रों पे जा रहा है उधर भी जाएंगे। वहाँ पे जो है ऊँच रोड पर पहुँच चुके हैं, और देखे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर मुल्तान, ऊँच शरीफ और वगैरह वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, सही नज़र नहीं आ रहे। और इधर से देखे ये गंदम की फसल है, राय की फसल थी, वो जो फाटी है राय जो पौधे हैं वो सूखने के लिए इधर रख दिए गए हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इनका तेल निकलवाएंगे। इधर उतरा हूँ ये फूल दिखाने के लिए, देखे इधर जो है बहुत ज़्यादा फूल हैं, तो अभी चलते हैं इधर फूलों के वीडियो भी बनाते हैं, फूल बैठे भी हैं, गुलाब के फूल हैं इधर, तो अभी ये देखिए अभी जा रहा हूँ इन पौधों के पास, पहुँच गया हूँ फूलों के बाग में। ये देखें ये फूल भी हैं गुलाब के, ये देखें यहाँ पर फूल हैं बड़े बड़े, ये गुलाब के फूल यहाँ पे हैं। देखें कितना बड़ा ये बगीचा है, बहुत बड़ा इतना बगीचा बनाया हुआ है इधर, इनको पानी देने के लिए भी अलग से सिस्टम है। देखें फूल जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वो और दादी अम्मी जो उधर ठहरे हुए हैं, तो अभी चलते हैं, वीडियो तैयार बना लिया, अभी वापस चलते हैं, हमारा सफ़र जो स्टार्ट करते हैं। अभी पहुँच गया हूँ, तो अभी बैठता हूँ, जगह जो है अपनी बनाता हूँ, सिर्फ मैं उठता हूँ, बाकी सब जो है बैठे रहते हैं। अब वो आगे तो थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं आगे चले। अभी ओज शरीफ के बाज़ार में पहुँच गया, देखिए ओज शरीफ के बाज़ार में कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, हर तरफ बाइकें मोटरसाइकिल रक्शे वगैरह जो है कारें वगैरह आदि चल रही है, और देखिए इधर रश बहुत होता है, अहमद बहुत रश नहीं होता जितना इधर होता है, क्योंकि इधर हर चीज़ की जो है मंडी होती है। देखिए हर कोई मंडी में जिधर बेचने भी जाता है, मंडी से जिधर लेने भी जाता है, जो है सब्ज़ी मंडी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, और हर कोई जो इधर से लेता है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी बढ़िया था इसलिए हाथ मिलती भी सस्ती है। अभी हम जो है अम्मा के घर की तरफ रोड पर उतर चुके हैं, और सामने ही ऊपर जो है सी पैक है, ये कराची मुल्तान जहाँ भी जाओ ये सी पैक उधर जाता है। कैसे है वो पूरे पाकिस्तान की है, ये पूरे पाकिस्तान की है सी पैक, सारी बसें यहाँ पे ही चलती है, और जो ट्रक वगैरह होते हैं ट्राले कार वगैरह जिनको लंबा सफ़र करना होता था वो इसी सी पैक से ही करते हैं। तो अभी इसी सी पैक के नीचे से हमें गुजरना है आगे जो है सफ़र पर है। अभी वो कितने मिनट का सफ़र है? अभी काफ़ी है, बड़ा है, बहुत देर का है, तो अभी जो है सफ़र भी बहुत देर का है, अभी बांटना है,
तो अपा बोले 10-15 मिनट क्या देखे 10-15 मिनट में पहुँचते यानी और इधर से सीट बैक हुए थे। देखे ये ट्राले भी अभी जा रहे हैं, पीछे भी सारे ट्राले अभी हेड पर्नर के ऊपर से गुजर रहे हैं। और देखे हेड पर्नर का पास जो है सारा का सारा सूख गया है, बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है। और इधर से जो है दूर दूर तक पहुँच गया, इधर से भी थोड़ा सा एक टुकड़ी है, सारा हेड पर्नर का पार्ट जो है सूख चुका है, क्योंकि आगे से जो हेड पर्नर बंद किया हुआ है, इसलिए आगे यहाँ से जो है पानी सारा सूख चुका है। अभी जो है हम अम्मा के शहर की तरफ अभी भी जा रहे हैं, और इधर से देखे हर तरफ राया ही राया। इधर जो है सैलाब बहुत आता है, तो इसलिए फसल जो है बहुत अच्छी होती है। जब सैलाब आता है तो रेत जो है उधर फसलों के ऊपर से गुजर जाती है, जिस वजह से फसल जब उगाने का वक्त होता है तो फसल जो है बहुत अच्छी होती है। इधर देखे राया भी इधर इतना अच्छा हो चुका है। उधर देखे ये सब कद्दू, देखिए इधर औरतें जो है कुछ काम कर रही है। अब ये क्या काम कर रही है? ये कुछ उगा रहे हैं, ये जो मकई होगी, मकई, ये जो मकई का बीज जो है बो रहे हैं, जैसे आप एक एक करके वो फसल वो जो खेले जो वो जब कौन सी फसल होते हैं जिसको आप बोते हैं? कपास की, कपास की फसल जैसे बोते हैं ना, ये इसे भी वैसे ही बो रहे हैं। हम मेरी दादी की जो है भांजी के घर पहुँच गए हैं, तो पहले जो है उनकी भांजी के घर जाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे उनका घर, उनके अपनी अबू का घर कहाँ, तो फिर उनके साथ ही जाएंगे उनके अम्मी अम्मी अबू का घर। वो भी इधर बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, मेरी दादी जो है गई हुई है अपने मायके के अंदर, क्योंकि उनका मायके का जो है पर्देदार है, तो मैं और अबू इधर ही बैठे हुए हैं। तो मेरी दादी हो के आ जाए तो फिर हम जाएंगे आगे भी, बहुत जगहों पर हमें अभी घर जाने में बहुत ज़्यादा देर है। एक घर से तो हमने हो लिए है, तो अभी जा रहे हैं आगे जहाँ पे मेरी दादी को दावत मिली है, तो अभी उस घर में चलते हैं। दादी जो है अंदर चले गए हैं और अभी मैं बुक कर रहा हूँ, तो अभी हम इधर चलते हैं। मेरी भांजी, हम 12 साल के बाद मिल रहे हैं। ठीक हो? हाँ, चलिए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे बच्चे ठीक है? सब ठीक है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी हमें खाना मिल चुका है, और हमारे खाने में है मुर्गी चटनी और रोटी, और सुहेल बैठा हुआ इंतजार में। तो अभी हम जो है ना दोपहर का खाना खाते हैं, और चाय भी आ चुकी है, अभी हम चाय पीते हैं। चाय बड़ी जबरदस्त लग रही है। जो हमें तैयारी हो चुकी है, अभी वापस जाना, पर ये जो ढोगी बैठा हुआ है ये इसने मैंने डराया हुआ है, क्योंकि बहुत खतरनाक है, तो ये काटते हैं, इसलिए मैं यही बैठा रहा हूँ। तो इसके मालिक आ जाए तो फिर चलते हैं। सब रिश्तेदारों के घर से जो मिल लिया, तो अभी जा रहे हैं कहीं शायद यात्रा करने के, और जा करने के बाद फिर जाएंगे वापस। तो अभी शायद जाएँ कहीं और सिर्फ जाएंगे उधर क्या, मेरी दादी के मायके से निकलने के बाद हम आज के छोटे से शहर में जो अभी ख़त्म भी हो चुका है। देखिए इतना छोटा सा है, बस इसके अंदर जो काम की दुकान होता है वही होता है, जैसे जूतियों की, कपड़ों की, और जो घरेलू इस्तेमाल होते हैं। और इधर देखिए ट्रालियाँ गन्ने की यहाँ पे भरी हुई हैं, जो बिल्स में जाती हैं ये भर रहे हैं, छोटी ट्रालियों को वापस भेज रहे हैं और बड़ी ट्रालियों को भर के लेके जा रहे हैं। रास्ते से हम आए थे, अभी वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं, जो अभी ये पुल है ये मेन रोड की, तो उसके नीचे से हम जा रहे हैं। अभी इधर से गुजरे थे, दूसरी बार भी गुजर रहे हैं। रास्ते में ये देखिए ये बाग है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आगे जा सकते हैं बाग के आगे तक, और इस साइड से भी ये छोटा सा बाग है जिसके साथ ही घर भी है। ये घर को ये बाग जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, इसको हर हर सर बना देता है। और देखिए इधर केले के 2-3 पौधे भी हैं, ये तैरा हुआ है देखिए ये सामने। देखें इस रास्ते में जो बहुत ज़्यादा दरख्त आते हैं और बाग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देखें हर तरफ बाग और दरख्त, देखें जहाँ देखो बाग और दरख्त लाश भी आते हैं। इधर भी ये देखें बाग दरख्त से भरा हुआ है, ये सारा रास्ता जो है बागों और दरख्त से भरा हुआ है, और लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी इसके अंदर भी छोटे छोटे पौधे जो है वो गए हुए हैं, ये देखें नीचे देखें कितने ज़्यादा छोटे छोटे पौधे हैं। अभी उच्च रीफ पहुँच चुके हैं, और ये उच्च रीफ का बाजार, तो इसके अंदर अभी जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कितने टाइम बज रहे हैं अभी जो है 5 बजे से यहाँ पे जो है प्राइस जो है ख़त्म हो चुका है। बाजार के सामने ही ठहरा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है दुकान भी छुटती हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर बाजार में। मैं मेरी दादी मेरे अब्बू सब ऊपर ही जाएंगे बाजार पे, ले रहे हैं जैसे मिठाई, अगर ऊपर बांटनी हो तो ऊपर बांटेंगे, नहीं तो जो गांव में जाएंगे उधर ही बांटेंगे, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये मेरी दादी को ही पता है कि इस मिठाई का क्या काम है, तो मेरी दादी इधर से मिठाई बनवा रही है, इधर से मिठाई, और अबू यहाँ पे तैयार ठहरा हुआ हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। अबू हाँ जी, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छे के बारे में। कितने साल हो गए आपको तकरीबन?
तकरीबन दादी के साथ ज्यादा 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इधर आए। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। ये इसकी बनावट है अजीब है, बहुत बहुत बड़ा भली है यहाँ का। अच्छा मुझे आप इसकी वो बताना डिटेल जो है। तो ऊपर जाएंगे उधर ही बताना, जैसे जैसे देखते जाएंगे बताते जाना आप, ठीक है? वो बहुत लंबी डिटेल है। अच्छा ऐसे शॉर्ट करके ये इसकी बनावट के बारे में बता देना, ठीक है? ऊपर जाएंगे जिसका पूछूंगा वो उसकी बनावट बता देना। तभी ऊपर चलेंगे, अब जो बताएंगे जो कैसे कैसे इसको बनाया है। मेरी दादी और अबू आगे जा रहे हैं, मैं अपनी दादी और अबू के पीछे जा रहा हूँ। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं, देखें इतनी ऊंची जगह है, तो अभी सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ के जाना है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर बनी हुई है, आगे भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो अभी तो जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियों से, अभी जाते हैं अबू जो है ऊपर पहुँचने वाले, हम अबू के पीछे दादी मेरे साथ। अभी ऊपर पहुँच गए हैं और ये देखें ये हैं। अब ये कौन इसकी, ये किसकी पिक्चर है? ये इसके फरजंद की बेटे की पिक्चर है। ये बेटे की पिक्चर है, तो ये उनके बेटे की पिक्चर है जिनकी मज़ार है ये। तो अभी जाते हैं इस बाजार के भी अंदर, ये देखिए यहीं पे ठहर गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, अभी अंदर से होके आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी किधर जाना है। अभी आगे भी बहुत कुछ मज़ार है, और ये देखिए कबूतरों की जगह भी बनाई हुई है। वापस कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का जो रोग है उधर से जाना पड़ेगा, उधर से रखते हुए इन्होंने कभी उधर से सीओ से हम उधर चुके हैं, वापस चढ़ने ऊपर कब्रिस्तान से, उधर से ऊपर चढ़ना है। उधर से रास्ता बंद है, उधर से चढ़ना पड़ेगा लगता है। दादी हाँ दादी आ रही है पीछे, दादी भी पीछे आ रही है। देखिए ये बहुत ही ऊँचा है, तो इधर चढ़ने में भी मुश्किल हो रही है क्योंकि उधर तो सीढ़ियाँ हैं, तो इधर तो सीढ़ियाँ भी नहीं है। इधर पाँव को एक जगह पर जमा कर चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर भी सकती हैं। देखिए ये जो है पहाड़ की तरह चढ़ना पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ने जितना जितना मुश्किल है इतना इसके ऊपर भी चढ़ने में मुश्किल है। अभी जलालुद्दीन बुखारी की दरबार से होके हम आ गए और अब पहुँच गए हैं बीबी जवंदी के रोज़े पर। ये देखिए मकबरा बीबी जवंदी का, और ये बीबी हलीमा का है, और के साथ में एक और मकबरा है। और ये मकबरे जो है ना आधे हैं आधे टूटे हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे फ्लड आया था 1973 में, तो ये फ्लड में आधे जो फ्लड लेके गया चला गया था, तो बाकी आधे बच गए थे वो आ गए, आधे खड़े हुए हैं, आधा जो है फ्लड में बह के चले गए थे। वो भी आपको दिखाता हूँ साइड पे, ये यहाँ से फुल है वहाँ से टूटा हुआ है, आपको वो दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जगह टूटी हुई है, पूरा या आधा मकबरा जो है ना दरिया लेके चला गया था, आधा बच गया था। ये देखें उस साइड पे पूरा है, इस साइड पे नहीं है। और ये भी जो हलीमा का मकबरा, ये भी देखिए टूटा हुआ है, अब इसको रिपेयर कर रहे हैं, इसको भी काफ़ी रिपेयर कर लिया है, अब इसी जगह पे कर ठहरा दिया इसको, बस इतना ही इसको बनाना था। और ये देख सकते हैं आप, ये बीबी जवंदी का रोज़ा है। और इधर देखें कितना गहरा है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पे, बहुत नीचा है ये सब, यहाँ पे सब पानी पानी था, ये पूरा इलाका डूब गया था 1973 के फ्लड में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही नीचे है और ये हम बहुत ऊपर खड़े हुए हैं। और अबू जा रहे हैं अभी ऊपर, ये सीढ़ियाँ हैं, तो अभी इधर से ऊपर जाते हैं इसके, देखें कितना ऊंचा है। और अबू जा रहे हैं ऊपर, ये देखें सीढ़ियाँ भी टूटी फूटी हुई है, बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा क्योंकि सीढ़ियाँ देखें कितनी है भी टूटी फूटी, और जगह देखें कितनी पतली है, घेरे तो गंदे वाली चोट लगी है। अभी चढ़ तो गए हैं, ये देखें अभी चढ़ गए हैं और ऊँचे आ गए हैं हम अभी, बस ये ख़त्म। हाँ ये झोंका है यहाँ पे, ये बस इतना ही है ये। और अभी देखें कितना गहरा लग रहा है, ये चक्कर आ रहे हैं, घिरा तो बचेगा नहीं, चक्कर आ रहे हैं अभी। हाँ ये देखें कितना दूर दूर तक, यहाँ पे बाघ बहुत आते हैं, देखें बाघ बहुत दूर दूर तक, ये देखें बहुत दूर है बाघ, यहाँ पे सब बाघ ही बाघ है। दादी हमारी ढूंढ रही हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी तो दादी हैं, अब्बू की तो अम्मी है, तो अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि मेरी दादी बुला रही हैं, तो अभी चलते हैं नीचे। अब्बू और कहीं जाना है? अभी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं है ना। हाँ यार आपको मैंने आपको बोला था वहाँ पे जल्दी निकले, फिर क्या करें, दादी ने पूरा अपने रिश्तेदार को मिलना था। तो आपने देर बहुत कर दिया एक ही जगह पे, 3-4 साल छोटा है ना दूसरे, अगर गर्मियाँ होती ना तब मजा आता क्योंकि दिन बड़े होते हैं। अभी तो इतना जल्दी सूरज डूब जाएगा, तो अभी जल्दी यहाँ से निकलना है, नहीं तो अगर गर्मी आती दिन भी बड़े होते हैं, तो फिर जो है पूरी जगह दिखाते।
नहीं मैं आप वहाँ रुके थे, मैं यहाँ आई थी, आई थी, लेकिन जहाँ मैं पहली दफा आई हूँ अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी यहाँ गुजर गई है, पहली दफा मैं आई हूँ। हाँ पता क्या कहते थे हमारे बड़े के अंदर जाते हैं तो चक्कर आते हैं, तो ये पहली दफा मैं आई हूँ यहाँ पे। जो है सारे मज़ार की ज़ियारत कर लिया और टाइम भी बहुत कम है, तब भी वापस निकल रहे हैं मज़ारों से। ये देखिए यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और देखें इधर कब्रें बहुत ज़्यादा हैं, यहीं पे सारी कब्रें हैं, देखें आधे से ज़्यादा कब्र इधर हैं, तभी जा रहे हैं निकल रहे हैं जैसे वापस, मज़ा बहुत है आज। वापस अभी फिर से पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, पहाड़ तो नहीं है तो कब्रें, पर पहाड़ की तरह ही ऊँचे, तो अभी इधर से फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उतरने में उससे ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसे पाँव जैसे सिलपेंगे अभी, तो इसलिए पाँव को जो है एहतियात से रखना पड़ेगा। देखें कितनी गहरी जगह है ये, हम नीचे उतर रहे हैं, और देखें अब हो रहे हैं पुल सिरात, कितना रास्ता बना हुआ है ये देखें। अब जो है अभी घिर रहे हैं, बच गए हैं, तो अभी मैं और दादी पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दादी तो इतना सही नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके वैसे भी घुटनों में दर्द है। दादी आपके घुटनों में दर्द है ना? हाँ यार बहुत दर्द है। तो अबू ने जो है दादी का हाथ पकड़ लिया, अभी हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। ज़ालिम लोग हैं जी, उधर से रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, उधर से रास्ता था पर इन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों किया। पैसे लेते हैं फिर जाने देते हैं, वो बोल रहे हैं पैसे देते हैं और फिर जाने देते हैं। चलो मान लिया तो बंदा दे भी दे, कोई मसला नहीं है। अभी कहाँ जाएंगे? अभी जाएंगे एक जगह आपको दिखानी है आगे, और जगह बस एक जगह है, जगह आपको बहुत है जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, ताकि हजरत अली का पैर देखना है। ये किसको दे रहे हैं? ये सामने बैठे हैं। अच्छा तो ये भी उनको देते हैं, बाइक जब मैंने पार्क किया है, बाइक पार्क ये पैसे लेते हैं। हम आ गए हैं और मज़ार पे, ये बुक पता है कौन सा मज़ार है, और ये कौन सी मज़ार है? ये है इसका नाम इसका नाम है मखदूम जहाने जहाँ गश्त। तो अभी इनका नाम जो बहुत मुश्किल है मुझे नहीं आता, तो अभी मैं बोलूँगा तो गलत बोलूँगा, तो इस वजह से गुनाह हुआ, तो मैं इनका नाम नहीं बोलता। और ये देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम, फिर उनका कदम मुबारक है उनका, और ये कदम मुबारक उनका पत्थर पर है। जो है हमने मौला अली का जो है पाँव मुबारक भी देख लिया, तो अभी जो देखा तो ये मौला अली का पाँव मुबारक था। पाँव कैसे बना था? ये पाँव बना था हजरत अली मुर्तजा रहमतुल्लाह गुस्से में थे, तो पाँव जमीन पे उस पर पहाड़ पे झटका तो पाँव अंदर चला गया। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ताकत थी इनके पास। ये शेर खुदा है ना? हाँ, शेर खुदा, इनको शेर खुदा भी बोला जाता है। देखें ये सामने लिखा हुआ है कदम मुबारक हजरत अली मुश्किल कुशा, तो ये हजरत अली का कदम मुबारक है जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है हजरत अली का कदम। भाई ये वो कदम मुबारक है जिस दौर में सरकार ने किला खैबर फतह किया, तो जिस जलाल में सरकार ठहरे थे पत्थर के ऊपर पाँव रखा और पत्थर मोम का हो गया, सरकार का कदम अंदर आ गया। ये आज से 700 साल हिजरी पहले मखदूम जहाँ ने जंग गश्त बादशाह को तोहफे तौर पर मिला था, जो सरकारी दर लेकर आया था। पहले ये अंदर पूरा बाजू चला जाता था, ये 5 साल बाद 10 साल बाद खुद ब खुद बाजरी के दाने जितना ऊपर आता। बुजुर्गों का कहना है कि जिस दिन ये कदम मुबारक मिल जाएगा उस दिन 12वें का जहूर भी हो जाएगा और कहमत आ जाएगी। ये वो कदम मुबारक अली का कदम मुबारक भी देख लिया है, और जो मज़ार है थी वो भी देख लिया है, तो आज दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक मिली है ये सब देख के, तो अभी जा रहे हैं वापस क्योंकि टाइम बहुत कम हो चुका है। देखें यहाँ पे जो है दिए जलाए रखे हैं, और देखें ये तेल के अंदर इसको कपास को भिगो के रखते हैं, और फिर जो आग लगाते हैं, फिर दिए जलते रहते हैं जब तक ये तेल जो ख़त्म नहीं होता तब तक ये दिए जलते रहते हैं। उधर भी बहुत सारे दिए पड़े हुए हैं, दादी ने कुछ अपने हाथों पे तेल लगा दिया क्योंकि ये शफा वाला तेल है। तो हमने अभी सारे माँ के मैके में हो लिए, और यहाँ मज़ारात थे एक दो मज़ारात वो भी हमने देख लिए, अभी चलते हैं वापस घर। अपने गाँव जो है पहुँच चुके हैं, और सामने हमारा घर है। देखें फिलहाल तो ये मेरे साथ आया है, मेरे रिश्तेदार भी आए, मेरे
हम सहे तो नहीं है, काफ़ी यानी काफ़ी सफ़र से दूर करके आया है, और माशाल्लाह ये भी वीडियो अच्छी बनाते हैं। और इनके चैनल का नाम, आपके चैनल का नाम क्या है? तो गाइज़ हमारे मेरे चैनल का नाम जो है मुनीर ऑफिशियल 3134, ये इसका कोड है मुनीर ऑफिशियल 3134। तो ये आपने काफ़ी मुश्किल रखा हुआ है नाम, भी बहुत मुश्किल रखा है। नहीं असल में जो आई है ना पुलिस यूट्यूब के, वो जो नेम है ना अक्सर एक मुनीर ऑफिशियल लिखते हैं ना, वो बहुत से चैनल आ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अगर अलहदा कोड दिया कि वही कोड जब दर्ज होगा ना वही चैनल ही ओपन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुनीर ऑफिशियल, हाँ मुनीर ऑफिशियल 3134 ये मेरा चैनल है। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, एक मरतबा आप विजिट कर लें, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तब आपने सब्सक्राइब करना है, वरना आपकी मर्जी है। ये बात है, पढ़ते भी हैं? हाँ पढ़ता हूँ मैं, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, और भी आपको वीडियो भी बना के देते हैं देंगे, क्योंकि इनके माली हालात भी काफ़ी अच्छे नहीं है इस वजह से, तो ये मेहनत भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट की इनको भी जरूरत है। बेशक बेशक, ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी आपके भी और काश हमारी यूट्यूब फैमिली, आप भी थोड़ी सी आप इनकी हेल्प कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रात हो चुकी है और तेबा की खेलने की बारी है, क्योंकि तेबा रात को वक्त खेलती है, रात के वक्त इतनी गर्मी भी नहीं होती, तो अभी तेबा जो मुझे लेके जा रही है ज़बरदस्ती, मेरा मूड नहीं है खेलने का, फिर भी बोल रही है खेलो। तो आज हम गए थे अपनी अम्मी के महके सकड़ के महके, और अम्मी आज जो है बहुत एक्साइटेड हुई और बहुत रोई अपनी भाइयों से मिलकर, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था उनसे नहीं मिली थी, तो इस वजह से वो बहुत एक्साइटेड हुई, और बाद में उन्होंने अपने जो बातें की काफ़ी जो है कि हमने भी पुराने ज़माने की उन्होंने बातें की, बहुत मज़ा आया, और बाकी जो हमने मज़ा रहा था वो भी आपको दिखाए। तो यही मैं अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बताएं कि आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।